चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। ऑपरेशन के दौरान दो आतंकियों को मार गिराया गया। अब से कुछ ही देर पहले ऑपरेशन को पूरे होने की जानकारी दी गई है। आपको बता दें दो आतंकियों को मार गिराया गया। करीब करीब 58 घंटे तक ये मुठभेड़ लगातार चलती रही। ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। पहले यह माना जा रहा था कि तीन आतंकी पामपोर के इस ईडीआई कॉम्प्लेक्स में घुसे हुए हैं, लेकिन अब इतने घंटों बाद जो जानकारी आई है उसके मुताबिक दो आतंकी अंदर थे, इनको मार गिराया गया है। ये फरवरी के बाद दूसरा मौका था जब यहां पर आतंकी घुसे हुए थे ईडीआई बिल्डिंग के अंदर, और जिन पर काबू पाने में खास तौर से इतना वक्त क्यों लगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसमें कई कमरे हैं, बहुत ह्यूज कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, तो किस कमरे में कहाँ आतंकी छुपे हुए हैं और कोलैटरल डैमेज ना हो। याद होगा आपको फरवरी में जब ईडीआई कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ था तो कोलैटरल डैमेज हुआ था, सेना का एक कप्तान उसकी मौत हुई थी, एक कमांडो की मौत हुई थी और एक और शख्स की मौत हुई थी, शहादत हुई थी, जिसके बाद लगातार यहाँ पर सेना फूक फूक कर कदम रख रही थी। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर ऑपरेशन खत्म हो गया है। आपको सुनवाते हैं मेजर जनरल अशोक नरूला ने ऑपरेशन खत्म होने पर क्या कहा। 10 तारीख को और 11 तारीख को हमने उसके अंदर में कोशिश करा उनको पिन डाउन करने के लिए, और आज सुबह जब सारा इलाका ठीक हो गया था तब हमने अपना ऑपरेशन शुरू करा। ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे 6 फ्लोर्स के ऊपर में, हर एक कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है, दैट अमाउंट 120 कमरे, और हर एक कमरे की ड्रिल बराबर है, इसी कारण से इसके अंदर में सारा टाइम लगता है। आपको बता दें कि सोमवार